नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा स्कूल से पढ़कर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने किया दुष्कर्म, रीवा एसपी से लगाई न्याय की गुहार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुरवा चौकी से है, जहां स्कूल से घर के लिए लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ घात लगाए आरोपियों ने पकड़कर दूर ले गए व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्रा के साथ संतोष पटेल और विकास चतुर्वेदी दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म किया व किसी से घटना के संबंध में न बताने की धमकी दी व कहा कि किसी को बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। छात्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आरोपियों ने 3 से 4 महीने पहले भी दुष्कर्म किया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर इस घटना की जानकारी किसी को दोगी तो हम जान से मार देंगे, इसलिए डरी सहमी छात्रा ने यह बात परिजनों को नहीं बताई। जब छात्रा के पेट में अचानक दर्द उठा तो वह डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई, जहां डॉक्टरों ने उसे गर्भवती बताया। परिजनों को जब सूचना लगी तो उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु एसपी को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मेरे साथ 2 बार किया। मैं अपने घर के एक खेत नके बाद ट्यूबवेल है, वहाँ मैं लेटरिंग जा रही थी, तो मैं जब आ रही थी तो दोनों विकास चतुर्वेदी और वो संतोष पटेल बैठे थे वहाँ और मुझे बुलाया, मैं नहीं गई, मुझे जबरदस्ती ले गए। अब विकास चतुर्वेदी मेरा मुंह दबा लिए, सुखी पटेल मेरे साथ बलात्कार किए और मेरे को धमकी दिए कि किसी से बताओगी तुम्हें जान से मार देंगे, स्कूल भी जाओगी और तुम्हारे घर वालों को, तो इसी कारण मैं किसी से नहीं बताई। कौन सी कक्षा पढ़ती है? दसवीं पढ़ती है। आरोपी क्या लोग थे? आरोपी 2 लोग। क्या क्या नाम है उन लोगों का? सुखी पटेल, संतोष पटेल और विकास चतुर्वेदी। आप थाने गए कि थाने में शिकायत दर्ज हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई, भगा दिए वहाँ से, बोले कुछ नहीं होगा। कौन सा थाना है? गोविंदगढ़। आज आपने एसपी से फरियाद करने आई, आवेदन दे दिया आपने? हाँ, आवेदन मैं दे दी। मैं चाहती मुझे इंसाफ मिले।